अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमाई दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उनवान है अलीगोश, जिसका सफ़ा नंबर 89 हम पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 87 और 88 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये इस सबक का तीसरा लेसन है, जिसमें पहले हम अल्फाज़ में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि सियाक व सबाक क्या होता है। अल्फाज़ मानी आप सफ़ा नंबर 89 यानी 89 का आप अल्फाज़ मानी देखें। तवक्को, तवक्को से मुराद है उम्मीद। गुरना, गुरना से मुराद है गौर से देखना या गुस्से से देखना। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना से मुराद है गुस्से में मुंह में बोलना। आयस्तगी से गुस्से में से इस तरह बोला जाए कि दूसरे को मेरी बात की समझ न आए और अपना गुस्सा भी निकालना, उसको कहते हैं बड़बड़ाना। बेसाख्ता, बेसाख्ता है फौरन। मुरीद, मुरीद से मुराद है अकीदतमंद। मरकज, मरकज से मुराद का मानी है महवर। चमक, चमक से मुराद है रोशनी। अगला हमारा लफ्ज है इसरार, इसरार से मुराद है जिद। कश्ल, यहाँ पर ये लफ्ज है कश्ल लगाना, यानी किसी भी सिगरेट का यहाँ पर हुक्का लफ्ज आया है कि हुक्का पीना, उसके लिए लफ्ज है कश लगाना, चाहे सिगरेट का कश लगाया जाए या हुक्का पिया जाए। कश लगाना। अगला लफ्ज है हमारा गालबन, गालबन से मुराद है अंदाजन। हिजाब, हिजाब का वैसे माना मतलब होता है पर्दा, लेकिन यहाँ पर हिजाब जो आया है हिजाब से काम लेना, इससे मुराद है लिहाज करना या शर्म करना, लिहाज से काम लेना। झंझोड़ना, झंझोड़ना से मुराद है हिलाना। तस्कीन, तस्कीन का मानी है तसल्ली। एहतरामन, एहतरामन का मानी है इज्जत के साथ। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सियाक व सबाक में आपको समझाऊंगी। कल भी हमने एक सफ़ा पढ़ा, सफ़ा नंबर 88 हमने पढ़ा, उस पर तीन पैराग्राफ पढ़े थे। ये अलीबख्श जो अफसाना है जमाए दहम का, ये सियाक व सबाक के हवाले से, तशरीह के हवाले से बहुत अहम है। आपने ये सीखना है कि सियाक व सबाक होता क्या है। हर जब आपको क्वेश्चन आएगा जरा वाला बोर्ड के पेपर में, 10th क्लास के उर्दू के पेपर में, तो वहाँ पर लिखा होगा मंदरजा ज़ैल पैराग्राफ की तशरीह करें। खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखे और हवाला वतन लिखे, यानी मुसन्नफ का नाम और कहानी का नाम लिखे। ये नहीं लिखा आएगा कि सियाक व सबाक लिखे, लेकिन सियाक व सबाक तशरीह का हिस्सा है, इसलिए आपने ज़रूर लिखना है। अब वो कैसे लिखते हैं, सियाक का मतलब क्या है और सबाक का मतलब क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। सियाक व सबाक होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया उससे पहले क्या बयान हुआ। फर्ज किया ये इस सफ़े का आपको सेकंड पैराग्राफ दे दिया गया है। खाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गया और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा। अब ये सेकंड पैराग्राफ है, तो सियाक व सबाक का असल में मतलब होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया उससे पहले क्या बयान हुआ, उससे पहले वाला आपने बयान करना होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको पहला पैराग्राफ याद है, इस कहानी का जो पहला पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम पैराग्राफ है। एक रोज़ में किसी काम से लाहौर गया था, कुदरत में शहर कहते हैं ये बयान करें कि एक रोज़ में किसी काम से लाहौर गया था। अगर आपको यही पैराग्राफ आ जाता है तो फिर सियाक व सबाक कौन सा लिखेंगे। सियाक व सबाक का तो मतलब है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उससे पहले क्या हुआ। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको पहला पैराग्राफ आ जाए तो आपने पूरी कहानी का सियाक व सबाक लिख देना है, कि पूरी कहानी का एक मरकजी ख्याल, पूरी कहानी में क्या हुआ है चंद पॉइंट्स में आपने लिख देना है। आपको दरमियान से पैराग्राफ आ जाए, आपको आखिरी पैराग्राफ आ जाए, आपने सियाक व सबाक इस तरह लिखना है कि पढ़ने वाले को सिर्फ आपका वो एक पैराग्राफ पढ़ कर, सियाक व सबाक एक से डेढ़ पैराग्राफ होता है, इससे ज़्यादा लंबा आपने नहीं लिखना, तो सिर्फ आपका सियाक व सबाक पढ़ के ये समझ जाए कि इस बच्चे ने आज ही पेपर नहीं देखा, कि यहाँ उसने सामने पैराग्राफ देखा, उसके मन या हम जो है ना वो लिखे और बाद में उसने तशरीह कर दी। इसका मतलब है कि इससे पूरी की पूरी कहानी का, उसके तमाम अहम पॉइंट्स का एक एक हिस्से का पता है। तो इसलिए आज हम पढ़े, आज हम पढ़ते हैं सियाक व सबाक है क्या। अभी आपको ये पैराग्राफ पढ़ के सब अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कैसे पूरी कहानी को चंद पॉइंट्स में समो दिया गया है। जी, सियाक व सबाक अलीबख्श अलाम इकबाल का दर
या दिलवा दे, जो कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है किसकी तरफ से, डीसीओ की तरफ से। कुदरत अल्लाह शहाब ने अपना तारुफ क्या करवाया कि मैं उस वक्त जंग का डिप्टी कमिश्नर था, डीसीओ था, और उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि अब अली बख्श का वक्त जाया नहीं होना चाहिए, इसको फौरन आज ही आप कब्जा दिलवाए। अब कब्जा दिलवाना जो है वो मजिस्ट्रेट के अंडर ही वो महकमा आता है इस वजह से। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपको पता चला कि सियाको सबाक की इंतहाई मुख्तसर करके सिर्फ एक से डेढ़ पैराग्राफ, यानी डेढ़ पैराग्राफ आधा जो पैराग्राफ आगे जाना वो भी ना हो, एक ही तवील पैराग्राफ में आप सारा सियाको सबाक बयान करते हैं। चाहे आपको कहानी के लिए मैंने मुकम्मल पैराग्राफ सियाको सबाक इस वजह से लिखा है कि पहला पैराग्राफ आए, दरमियान से आए, आखिर से आए, आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम आएंगे तशरीह की तरफ। कल हमने पढ़ा था कि तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे, कुदरत अल्लाह शहाब कहते हैं कि मेरी तवक्को पूरी होती है। कौन सी तवक्को पूरी होती है? सियाको सबाक लिखने से पूरी हमें कहानी का अंदाजा हो गया कि वो कहानी क्या है। अब यहाँ पर अली बख्श के मुतल्लिक उनका ख्याल था कि मुख्तलिफ लोग अली बख्श को मिलते हैं जो अल्लामा इकबाल के बारे में बार बार सवाल पूछ के उसको परेशान कर देते हैं। वो अली बख्श ऐसा मुलाजम था जो डॉक्टर साहब से यानी अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और बार बार जब उसके दर्द को छेड़ा जाता है, अल्लामा इकबाल जो कि दुनिया से गुजर चुके थे, वफात पा चुके थे, और बार बार जब सवाल करते हैं तो वो उसकी मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो परेशान हो जाता है, वो वाकयात याद करके, वो बातें याद करके। तो इसलिए कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अगर वाकई अली बख्श को इतना इश्क था अल्लामा इकबाल से कि उसने 40 साल उनकी खिदमत की और सारी ज़िंदगी उन्हीं के पास मुलाजम रहा, तो फिर वो खुद इश्क और मुश्क की तरह उसकी जो मोहब्बत है वो जाहिर हो जाएगी। तो कहते मेरी तवक्को पूरी होती है, यानी जो मैंने सोचा था सवाल ना करने का वो मेरी तवक्को पूरी हो गई, और थोड़ी सी परेशान गुन खामोशी। अब वो खामोशी है, कुदरतुल्लाह शहाब सवाल नहीं पूछ रहे और अली बख्श बोल नहीं रहे। तो कहते थोड़ी सी परेशान गुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगा, घूरने यानी गुस्से से देखने लगा, गौर से देखने लगता है कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता, यानी ये डॉक्टर साहब का मुरीद है, अकीदतमंद है, डॉक्टर साहब से इतनी मोहब्बत करने वाला है कि डॉक्टर साहब की वजह से इसने जो है मुझे लाहौर से अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे जंग लेके जा रहा है ताकि मेरी ज़मीन का कब्जा दिलवाए, और कैसा अजीब शख्स है जिसने मुझ पर इतनी मेहरबानी अल्लामा इकबाल की वजह से की है, और अल्लामा इकबाल की ये बात भी नहीं पूछता। आखिर उससे रहा ना गया, आखिर उससे खामोश ना रहा गया, और एक सनमा के सामने कहते हैं हम सफ़र करते हुए जब हम एक सनमा के सामने गुजरे तो भीड़ भाड़ देख कर वो बड़बड़ाने लगा। भीड़ भाड़ क्या है कि सनमा के सामने रश था टिकट लेने वालों का, फिल्म देखने जाने वालों का, या बाहर आने वालों का बहुत ज़्यादा रश देख कर वो बड़बड़ाने लगा, मुँह में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। बोल क्या रहा था? वो अल्लामा इकबाल के अल्फाज ही दोहरा रहा था। मस्जिदों के सामने कितना बड़बड़ाने लगा कि मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। अल्लामा इकबाल की बात दोहरा देता है कि जब मैं भी अल्लामा इकबाल के साथ सफ़र करता था तो जब भी अल्लामा इकबाल सफ़र करते थे अली बख्श उनके साथ होता था, ये बात भी उसने बताई। तो कहते जब हम किसी सनमा के सामने से गुजरते थे तो वो बड़े ही दुख भरे अंदाज में अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि मस्जिदों के सामने तो ऐसा रश नहीं होता, वहाँ तो लोग दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, यहाँ देखे सनमा के सामने लोग कैसे दौड़ दौड़ के या कैसे रश और भीड़ और लोगों के अफराद यहाँ पर नजर आ रही है। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ, कुदरतुल्लाह शहाब फरमाते हैं कि मैं मुझे तुमके पान पसंद है तो मैं वहाँ पर रुकता हूँ, तो अली बख्श भी साफ़ता कह उठता है। अली बख्श को अल्लामा इकबाल से मोहब्बत है, वो हर बात में अल्लामा इकबाल की बात को ढूंढते हैं और वो कहते हैं कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, तो अली बख्श फ़ौरन बेसाख्ता सम्राट है फ़ौरन कह उठते हैं डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे, यानी डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी पान पसंद नहीं करते थे। फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए, दिलजोई से मुराद ये हमारी मैंने नहीं लिखा रह गया है, मानी दिलजोई से मुराद है दूसरे को खुश करना, दूसरे का दिल जीतना। कहते हैं फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए मुस्कुरा कर कहता है हाँ हुक्का क्यों पीते थे, अपना अपना शौक है पान का हो या हुक्के का।
का, आपको कुदरत अल्लाह शहाब को वाली बख्श कहते हैं कि आपको पान खाने का शौक है और अलामा इकबाल को हुक्का पीने का शौक था, ये तो अपना अपना शौक है। शेखपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि यहाँ पर देखिए हम जब ये अफसाना पढ़े हैं तो कुदरत अल्लाह शहाब ने इतना तवील सफ़र जो है उसको भी इंतहाई मुख्तसर करके सिर्फ दो से तीन पेज पर बयान कर दिया है। शेखपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे, इससे मुराद क्या है कि अली बख्श सफ़र करता था अलामा इकबाल के साथ। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे, उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख पुआ बहुत पसंद थे, आमों का भी बड़ा शौक था। यहाँ पर जी आमों, आम की जमा है आमों, आमों का भी बड़ा शौक था। वफात से कुछ 6 वर्ष पहले जब उनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया। अब देखिए चंद चंद लाइनों में ही वो सारी बात बयान करता जा रहा है। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेजी से अपने मरकज पे देखते घूम रहा था। मरकज से मुराद क्या है? महवर। ये जो बेटा ऊपर वाला पैराग्राफ हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये अली बख्श ने बड़ी अहम तफसील बयान की है अलामा इकबाल की पसंद और नापसंद के बारे में, कि ये वो बातें हैं यानी तारीख का ये हिस्सा है जिनमें हम ये देख सकते हैं कि अलामा इकबाल पर पान पसंद नहीं थे करते बल्कि हुक्का पीते थे, सिगरेट नहीं थे पीते। फिर उसके बाद उनके वो खाने में क्या पसंद था, उनको खाने में पुलाव और सीख पुआ पसंद था, इसके अलावा फलों में क्या पसंद था, फलों में उनको आम पसंद था। फिर उसके बाद उसने बताया कि उनकी जो वफात हुई तो किस मर्ज से हुई, उनका गला बैठ गया, उनको गले का मसला था, गला उनका बैठ गया तो फिर उसके बाद उन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया। अगला पैराग्राफ है, अब अली बख्श का जहन बड़ी तेजी से अपने मरकज यानी अपनी महवर, अब अली बख्श का महवर क्या है, अलामा इकबाल से मोहब्बत। ये वाला ये हम जो अली बख्श पढ़ रहे हैं अफसाना पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भी ये है, कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि मुसन्नफ होने के तौर पर, एक अदीब होने के तौर पर हमें तो अलामा इकबाल से मोहब्बत है। अब उनके घर जो काम कर रहा है मुलाजम उसको कितनी हमसे भी ज्यादा कितनी अकीदत और मोहब्बत है अलामा इकबाल से। अब अलामा इकबाल की वफात हो गई है, वो उसे देख नहीं रहे लेकिन वो बात बात पर अलामा इकबाल का जिक्र करता है। वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है, इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं, वो हकीकी बातें कर रहा है, वो किस्से नहीं सुना रहा है। नशे की इसी कैफियत से मुराद है कि जब वो अलामा इकबाल का जिक्र करता है तो वो मोहब्बत में इस कदर खो जाता है कि उसे दुनियावी बाकी चीज़ें उसे याद ही नहीं रहती। इसलिए लफ्ज़ जो नशा इस्तेमाल किया है कुदरतुल्लाह शहाब ने वो बड़ा ढूंढ के चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता, कौन सा नशा, अलामा इकबाल की बातें करने का, अलामा इकबाल से मोहब्बत का इजहार करने का उनका जो नशा है जब तक वो पूरा नहीं होता, गालिब उससे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। ज़हनी और रूहानी तस्कीन से मुराद क्या है कि एक औलाद है, बच्चे हैं, उनके वालदैन में से वालिद या वालदा गुजर जाए तो बच्चे जितना प्यार से मोहब्बत से उनका जिक्र करते हैं उतनी उन्हें तसल्ली होती है, उतनी उन्हें तस्कीन होती है। यही हाल अली बख्श का है। अली बख्श के साथ अलामा इकबाल का जो सलूक था वो अपने बेटों की तरह का सलूक था, हालांकि हालत दोनों की बराबर थी। अलामा इकबाल के भी बच्चे छोटे थे और अलामा इकबाल की बीवी की वफात हो गई, अली बख्श की भी अभी शादी को चंद साल ही गुजरे थे, उसकी बीवी की भी वफात हो गई थी। दुख दोनों का एक जैसा था, एक जैसी दोनों ने जिंदगी गुजारी, लेकिन उनका जो सलूक था अलामा इकबाल का वो अपने बच्चों की तरह का सलूक था अपने मुलाजम के साथ। तो कहते हैं कि सुबह सवेरे मैंने गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती थी जब तक वो अलामा इकबाल की मोहब्बत की बात नहीं कर लेते थे। साहब जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, साहब किसको कह रहे हैं, कुदरतुल्लाह शहाब को कह रहे हैं कि जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, दम दिया से मुराद क्या है, वफात पाई। यहाँ पर दम दिया असल में मुहावरा है, इससे मुराद है वफात पाना। कहते जब उन्होंने दम दिया यानी जब उन्होंने वफात पाई, दम से मुराद यहाँ सांस है स्टूडेंट, सांस लेना यानी दम उनका खत्म हो गया, सांस खत्म हो गया, वफात पा गए। मैं उनके बिल्कुल करीब था, कहते मैं उनके बिल्कुल पास था, सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया था क्योंकि उनका गला खराब था, बाकायदा खाना वो सारे खाना नहीं वो खा
खा सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, बहाल से मुराद है अब बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन 5:10 पर अब यहाँ देखें क्या बात मैंने पहले की कि तारीखी बातें अलीबख्श यहाँ बयान कर रहा है अलम इकबाल के बारे में। कहते हैं 5:10 पर, यानी सुबह फजर के वक्त 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज तेज नीली नीली सी चमक आई। ये उनकी वफात का वक्त है कि उनकी जब जान निकली यानी उनकी जब इस दुनिया से रुखसती हुई या जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो जबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। ये वो अल्फाज नहीं जो कोई और बयान कर रहा है, ये वो शख्स बयान कर रहा है जो अलामा इकबाल के बिल्कुल करीब था, पास खड़ा था जब उनकी वफात हुई। तो कहते हैं उनकी जुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला, मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, उन्हें हिलाने लगा कि इनकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हो जाए। कहते हैं कि इतनी उनकी तबीयत इस कदर खराब नहीं थी कि मैं जो बिल्कुल करीब था मुझे अंदाज़ा होता कि अलामा इकबाल रुखसत होने लगे हैं, वफात होने लगे हैं। वो नॉर्मल हालत में थे, बीमार थे, उनका गला खराब था, मगर वो इस हालत में थे कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह ही अल्लाह का जो उनकी रूटीन थी तहज्जुद पढ़नी और उसके बाद अल्लाह का आप घंटों तक अल्लाह का जिक्र करते रहना। कहते कि वो उस हालत में थे और अल्लाह ही अल्लाह पढ़ रहे थे। तो जब मैंने अपने सीने पर उनका सर रखा, उनको झंझोड़ा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। स्टूडेंट्स, ये सच्चे मोमन की निशानियाँ। हाँ, अलामा इकबाल की वफात कैसे हुई तो उनका जो दरीना मुलाजम है अलीबख्श वो बता रहा है। कुछ अरसा खामोशी तारी रहती है। कुदरतुल्लाह शहाब ने तो चूंकि फैसला किया हुआ था कि मैंने अलीबख्श से कुछ नहीं पूछना, ये खुद मुझे अलामा इकबाल के बारे में बताते जाएंगे। अब चूंकि अलामा इकबाल की वफात का उसने ये वक्त और वो सारे लम्हे बयान किए हैं, अब गहरी अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ वो खामोश हो गया है, उसके ऊपर गम की कैफियत तारी हो गई है। फिर अलीबख्श का मूड बदलने लगा, मूड से बना रहे उसका अंदाज बदलने लगा, उसका फिर मिजाज बदलने लगा, वो गम की कैफियत से आहिस्ता आहिस्ता वो निकलने लगा। कुदरतुल्लाह शहाब से तो उससे नहीं कुछ भी पूछ रहे, ना कोई उससे बात कर रहे, ना उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे, वो इस गहरी खामोशी में है कि ये खुद ब खुद रियलिस्टिक बातें जो हकीकत पर मबनी बातें हैं अलामा इकबाल की मुझे सुनाता जाए। फिर अलीबख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी उससे एक सवाल पर ही बैठता हूँ, लफ्ज़ देखे यहाँ पर कर ही बैठता हूँ, यानी सब वो खामोश हो गए, गम की कैफियत उन पर तारी हो गई है। अब अलामा जो कुदरतुल्लाह शहाब है मुझसे एक सवाल पूछते हैं ताकि उनका ज़रा मूड बदले। हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब की कुछ शेर याद हैं? अलीबख्श हंस कर टालता है, टालता है यानी बात को मोड़ने की कोशिश करता है, वो खुद से अलामा इकबाल के सब अशार नहीं सुनाता। मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे उन बातों की बला क्या अक्ल, यानी वो अनपढ़ होने के बावजूद वो समझता है कि अलामा इकबाल की बातों में जो गहरा फलसफा है, जो उनकी गहरी बातें हैं जिस पर पूरे कौम पर एक इज्तमाई असर हुआ, इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई असर हुआ, पूरी कौम जाग उठी, पूरी कौम आज़ादी के लिए तैयार हो गई। तो कहते कि ऐसी बातें मैं अनपढ़ जाहिल शख्स कैसे बयान कर सकता हूँ, मैं नहीं मानता। अब ये कौन कह रहा है? कुदरतुल्लाह शहाब कह रहे हैं मैं नहीं मानता। आप इतनी गहराई से अलामा इकबाल को जानते हैं, उनके साथ आप रहे, हर सफर में उनके साथ रहे, उनके घर आप उनके साथ रहे और आपको उनके अशआर याद नहीं, मैं तो इस बात को मानता भी नहीं। मैंने इसरार किया यानी मैंने जिद की, आपको ज़रूर कुछ याद होगा, कभी ए हकीकत मुंतजिर। अब यहाँ पर देखें वो मुलाजम जो है ना वो अनपढ़ है, वो अल्फाज की सही से अदायगी नहीं आती, इसलिए वो अपने अंदाज से पढ़ रहा है। मुंतजिर लफ्ज़ को यहाँ मुंतजिर पढ़ रहा है। कभी ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ कुछ याद है, डॉक्टर साहब उसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। ये जो है ना ये जो कलाम है कभी है हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में, ये खाली अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है। अलामा इकबाल जो है ना अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह तो मूसा को भी तो नजर आया था, तो हमें भी अपने जलवे दिखा, हमें भी कभी नजर आ। तो कहते कभी है हकीकत मुंतजिर वाला कुछ कुछ याद है, डॉक्टर साहब उसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आमतौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे, मैं उनके कमरे के नज़दीक सुलाया करता था। उसकी वजह क्या है, क्यों नज़दीक सुलाया करते थे, वो भी आगे बयान करता है।
रात को 2-2.5 बजे दबे पांव उठते थे, दबे पांव यानी खामोशी से उठते थे ताकि घर बाकी घर वाले मेरे उठने और मेरी इबादत करने की वजह से बाकी उठ ना जाए या बाकियों की नींद में खलल ना आ जाए। अल्लामा इकबाल बड़े दबे पांव यानी खम आहिस्ता आहिस्ता पांव उठाते हुए जाते थे और वजू करके जा नमाज पर जा बैठते थे। जाए नमाज पर बैठते अल्लाह ताला के जिक्र में अल्लामा इकबाल मसरूफ हो जाते थे। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। अब ये तारीखी बातें हैं जो अली बख्श बयान कर रहा है कि अल्लामा इकबाल घंटों तक सजदे में पड़े रहते और अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। यहाँ पर स्टूडेंट में एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे प्रोफेसर थे जब एमए के दौरान एमए के दौरान वो बताया करते थे, खुद भी शायद थे, वो कहते थे कि हमें ये समझ नहीं आती कि जो शायर है वो हर वक्त अपनी शायरी में डूबा रहता है। तो अल्लामा इकबाल के पास दो खूबियाँ थी, एक वो बेहतरीन शायर थे, उनके पाए का उनके दौर में या उनके बाद कोई शायर नहीं गुजरा, इतने बेहतरीन शायर थे। दूसरे वो एक अहम सियासी लीडर थे, एक इतना अहम सियासी लीडर जिसकी वजह से पूरी कौम को एक नया रास्ता मिल गया, पाकिस्तान को आज़ाद करवाने का एक उसे उन्हें मकसद मिल गया। तो एक इतना अहम सियासी लीडर और दूसरी तरफ एक इतना अहम शायर कि एक नॉर्मल शख्स की ये खूबियाँ नहीं होती, नॉर्मल की नहीं होती बल्कि नॉर्मलाइज्ड की ये खूबियाँ होती हैं। जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ज़हीन और फतीम लोग होते उनमें ये खूबियाँ होती हैं कि वो एक ही वक्त में अपनी शख्सियत में एक दो दो शख्सियत अपनाए हुए होते हैं। एक बेहतरीन शायर थे, अगर उनका घर देखें, उनके बच्चों को देखें, उनकी औलाद को देखें, वो एक अच्छे बाप थे, एक अच्छे शायर थे। उसके बाद एक अहम सियासी लीडर थे जिसके बारे में किसी को उनके बारे में कोई मौका नहीं मिला कि किसी भी उनकी ज़िंदगी के दौरान उनकी ज़िंदगी के बाद अल्लामा इकबाल पर कोई नुक्ता नहीं उठा सकते कि उनकी सियासत में एक कौन सी कर्जी थी या उनकी सियासत में कौन सी खामियाँ थी, उनकी शायरी में कौन सी खामियाँ थी। दोनों उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो पीक पर थी, इंतहाई अरूज पर थी। अहम सियासी लीडर होना भी अरूज पर था और एक अहम शायर होना भी अरूज पर था। तो यह मतलब को देखते हैं, आगे कहते हैं कि फारिग होकर यानी वो सज्दे में पड़े रहते, फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था, हुक्का मैं लेकर आता उनके नज़दीक रखता तो उनको ज़रूरत होगी तो वो हुक्का पिएंगे। कभी एक कभी दो कश लगाते थे, कभी आँख लग जाती थी, बस वो तक इसी तरह करवटें बदलते रहते यानी अल्लाह ताला के जिक्र में वो मसरूफ़ रहते। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है लेकिन वो गालबन हिजाब में आकर इसे कबूल नहीं करता। यहाँ कहीं भी अली बख्श ने नहीं लिखा कि अल्लामा इकबाल पान खाते थे या सिगरेट पीते थे, हुक्के की बात की है। अब कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं जब मेरे ड्राइवर ने भी इसे सिगरेट पेश किया तो उन्होंने सिगरेट पीने से हिजाब में आके शर्म में आके लिहाज में आकर उन्होंने इनकार कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा आज का ये जो लेसन है वो मुकम्मल हुआ। सफ़र नंबर 88 पे आपने क्या करें कि आप यहाँ से कोई एक पैराग्राफ लेके उसकी तशरीह करें, उसके अल्फाज माने याद करें, सियाक व सबाक को याद कर लें, कोई भी पैराग्राफ आए आप सियाक व सबाक लिख सकें। इसके बाद आपको किसी बात की समझ नहीं आती मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।